जनाब राजभर साहब से हमारी जो मीटिंग हुई जी। हम उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। ये शिवपाल जी के साथ भी कोई बातचीत हुई है क्या? हाँ, मैं शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूंगा। आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो ध्रुवीकरण है उसको कराया सके और ममता बनर्जी को उसका नुकसान हो सके, ऐसा उनका ही कहना है। देखिए, जो वोटर होता है ना, वो किसी की जागीर नहीं होता है। ममता बनर्जी को आदत हो चुकी है ऐसे लोगों की बात सुनने की जो उनकी चापलूसी करते हैं और उनके जी हुजूरी करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर बंगाल को ये जेब नहीं देता, ये बिफिट नहीं करता कि वो इस तरह की लो लैंग्वेज में बात करें। ममता बनर्जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पहले अपने घर को संभालिए, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, इसकी वो वजह देखें, उसका इंट्रोस्पेक्शन करें। तीसरी बात हम चीफ मिनिस्टर बंगाल को कहना चाहेंगे, ममता बनर्जी को, कि उनको आदत हो चुकी है मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोगों से वास्ता उनको पड़ा है। पहली मर्तबा उनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जो उन पार्टी से मुकाबला करेगा जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को ठगते आए हैं। हम इतना ही पैगाम देना चाहेंगे मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर को कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, आपके पार्टी के बड़े नेता भाग रहे हैं, उनकी फिक्र करिए आप पहले। बस बस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।